अच्छा नहीं देखिए हेल्दी लाइफ स्टाइल बहुत ज़रूरी है एंड आई थिंक हमारे पास एक मिसकंसेप्शन है कि लोग बोलते हैं कि मौलवी वो होता है जिसका पेट निकला हुआ है और मैं शेख का आपको एक किस्सा सुनाता हूँ कि वो मदीना गए तो अपने जो है स्टूडेंट्स के साथ मदीना यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स के साथ चल रहे थे और एक रैंडम एक आदमी आया उससे सबसे पहले लोगों की दाढ़ी देखी फिर उनका पेट दिखा और जिसका सबसे ज्यादा लंबी दाढ़ी थी और जिसका पेट निकला उससे फिर किसी मसले के बारे में पूछा <laughs> तो ये अच्छा। कौन सा एक मिसकनसेप्शन भी लोगों के बारे में बट आई थिंक फ्राम दंपेनियन साहबा और रसूल से मुझे एग्जाम्पल मिलता है कि आपने एक हेल्दी लाइफ स्टाइल गुजाना यू डोट हैव टू गो यू नो ओवर बोर्ड विद एट आप एक्सरसाइज करेंट टू फील गुड अबाउट अपनी हेल्दी लाइफ स्टाइल रहे ऑफकोर्स hmm. hmm. आप एक एज लिमिट क्रॉस करने के बाद आपके पास वो चैलेंज बढ़ जाता है

उससे पहले मेरा बिल्कुल फ्लैट बेली था मेरा टमी था ठीक है और जब मैं दीन में आया तो आई सम हाउ स्टार्टेड ईटिंग मोर एंड स्टार्टेड इन्जॉइंग फूड मोर और मेरा पेट निकलने शुरू हो गया तो मुझे लिटरली ये लगा कि यार शायद इतना सकून और ख़ुशी है और इंटरनल सेटिस्फेक्शन है <laughs> कि इंसान ज़्यादा खा रहा होता है और ये uh, आपके uh, दीन में आने की वजह बिकॉज ऑफकोर्स एक एज में इंसान लाइफ स्टाइल चेंज आता change है, है लोग यूजली वेट लॉस को एक रूटीन समझते हैं वो एक एक होता होता है। है। तो आप आप ऐसे दौर में दिन की तरफ आए, आपका आपने आपकी जारी दावतें होती हैं खाना पीना होता है फैमिली के साथ आप अकेले तो अपना डाइट कंट्रोल कर नहीं रहे तो वो काफी सारी चीजों के तहा और अली आप दोनों से आप लोग अपनी जिंदगी में इस को करने के लिए क्या एक्टिविटीज़ करते हैं मैं तो रिलीजियसली uh, uh, रोजाना जिम जाता हूँ एक्सेप्ट संडेज क्योंकि संडेज को जिम बंद होता है वरना जब संडेज को जिम खुला होता था तो मैं वहाँ पर भी जाता था संडे मतलब सेवन डेज अ वीक और उसमें कार्डियो भी करता हूँ वेट ट्रेनिंग भी करता हूँ कभी कभी वेट ट्रेनिंग मिस हो जाती है बिकॉज मेरे जो ट्रेनर हैं आजकल वो कोटा गए हुए हैं तो इसलिए मैं उनके साथ नहीं कर पा रहा लेकिन यह कि मैं आजकल कार्डियो कर रहा हूँ स्ट्रेट वन आर टू वन थर्टी मतलब वन आर थर्टी मिनट्स कार्डियो करके तो मैं आई एम अ फिटनेस एक तरह से मैं अगर अपनी फिटनेस पे फोकस ना करूँ ना मैं बीमार हो जाता हूँ hmm. मैं हमेशा से ऐसा लड़का रहा कि मैं शाम में घर में टाइम गुजार ही नहीं सकता था तो जब से मैं बचपन से ही यूनिवर्सिटी में वैसे चूंकि माई फादर वॉज इन आर्मी तो हमारा शुरू से ही ऐसा था बैकग्राउंड के स्विमिंग, hmm. हॉर्स राइडिंग पोलो hmm. में वेरी गुड पोलो थे, किसी को आ, ना पता हो, Sorry. तो इसमें बहुत इन्वॉल्व था हाइकिंग तो फिजिकली फिटनेस है बहुत ज़्यादा, hmm. लेकिन जब से मैं इस्लामाबाद आया और यूनिवर्सिटी ज्वाइन की तो हमने घूमना फिरना ज्यादा शुरू कर दिया और फिटनेस hmm. hmm. जिसकी hmm. वजह से आई फीलिंग ले और जिसकी वजह से मुझे लगा कि मुझे थोड़ा सा ना मेरे में जो अलर्टनेस है जो पहले थी वो miss out हो रही है और जिसकी वजह से आ, बहुत ज्यादा मैंने किए फिजिकली तो कभी भी, आ, बहुत energy dips आना पहले कभी ऐसा नहीं होता कि मुझे मेरी लाइफ में एनर्जी डिप आता था लेकिन अभी ऐसा होना शुरू हो गया था कि एनर्जी डिप्स आना तो आई फिटनेस पर फोकस करता था ना रोजाना हॉर्स राइडिंग स्विमिंग करना मैंने छोड़ी हुई है तो आई स्टार्टिंग वो चीज़ नहीं है बिकॉज इट आई आई कॉल मोर अब मी टाइम जब भी आप चाहे जिम में वर्कआउट कर रहे हो चाहे आप वॉक करने के लिए जा रहे हो चाहे आप साइकिलिंग कर रहे हो चाहे वट एवर रूटीन यू रेन स it's, मैनर it's, it's mm -hmm. yeah. uh, mm -hmm. अगर आप अपने आप अपने आपना ख्याल नहीं रख रहे हैं ना स्पेशली मैं ये बात बोलता हूँ कि जो कि हम लोग माशाला से एक दावत के काम में इन्वॉल्व हैं mm -hmm. तो हमारे हर चीज़ को ऑब्जर्व किया जाता है हमारे बात से ज्यादा हमारे एक्शन को देखा जाता है तो आई थिंक वी नीड टू भी एबल टू है वेरी बैलेंस लाइफ स्टाइल और यूथ क्लब का बेसिक जो स्पिरट है

मैं, तो भी मैंने तो ये ये, मैं भी ये चीज़ काफ़ी ज़्यादा नोटिस करता हूँ कि बल्कि मेरे साथ तो ये एक्सपीरियंस हुआ है कि जब मैंने एक्सरसाइज वगैरह छोड़ दी तो कहीं पे भी आ, मुझे ज़रा सा ज़्यादा स्ट्रेच करना पड़ा ना तो अचानक से आपको फिर पेंस शुरू हो जाते हैं किसी मसल वग़ैरह में ना तो इसलिए अगर आप अपने आप को बॉडी पर फोकस नहीं करेंगे ना तो आपकी बॉडी तो मेन चीज़ है जो आपको फंक्शन के लिए काबिल बनाती है तो आप इसका मतलब है कि आप बॉडी मतलब अपनी लाइफ में नॉर्मली परफॉर्म नहीं कर सकते तो बॉडी पे बहुत ज़्यादा फोकस करना चाहिए और लाइक वाइज हम मतलब जिम जो है एक चीज़ है कि जहाँ पे आप एक्सरसाइज वगैरह कर सकते आपके तो ना टाइम रखा इट्स वेरी डिफिकल्ट टू क्लिक समथिंग जब मैंने स्विमिंग वगैरह छोड़ी तो वर लेस वेन्यूज पूल्स कम थे और सारा तो मैं ना एक डेढ़ साल मैंने ऐसे गुजारा जिसमें आई हैव वेन्यूज कि मैं, मैं, मैं कहाँ जाके जिम करूँ साइकिलिंग मैंने ट्राई की जॉगिंग ट्राई की साइकिलिंग ने मज़ा दिया लेकिन सुबह सुबह कभी मिस हो जाती है तो शाम में आप फिर रश में कर नहीं सकते यू नो तो वो चीज़ें तो एक दिन मैंने जिम ज्वाइन किया मेरे दोस्त ने मुझे बुलाया तो वो जो जिम ने मुझे क्लिक जब किया तो उसके बाद से हम रेगुलर आइट जिम <coughs> तो द पॉइंट इज जो शख्स जो देख रहे हैं जो नहीं कर पाए अभी तक शुरू आ, अपने एक्सरसाइज वगैरह उटेस्टर the hmm. नहीं, नहीं हो पाते लोग. शुरू, शुरू से भी पहले आपके बेसिक ऑब्जेक्टिव का बहुत hmm. uh, ख्याल है hmm. क्योंकि hmm. लोग यूजार जिम की बात कर रहे हैं आप साइकिलिंग की बात कर रहे हैं लोग स्थेटिक्स के दिमाग में लेके आते हैं कि सिक्स पैक हो जाए वो हो जाए यू नो यू नीड टू अंडरस्टैंड कि आप जिम जा क्यों रहे हैं ठीक hmm. है आपकी दो तरह की वर्कआउट्स है एक आपकी रेजिस्टेंस ट्रेनिंग है hmm. जब आप वेट उठाते हैं या hmm. बेसिकली आप hmm. आ, वेट पुल करते हैं या hmm. इस तरह की कोई क्रॉसफिट वाली करते हैं और दिस द अदर इज विच बेसिकली आपकी कार्डियो ट्रेनिंग है जो विच वर्क्स टूवर्ड्स योर हार्ट इट हैज टू बी अ कॉम्बिनेशन ऑफ इट तो आप अगर आपका ऑब्जेक्टिव ये है कि देखिए मैं ढोले छोले बना लू hmm. मैं बॉडी बना लू ताकि लोग देखें तो hmm. आप जो है उसमें सेटिस्फैक्शन हासिल नहीं करें बट इफ द आइडिया इज टू बी एबल टू मेक अ चेंज इन योर लाइफ स्टाइल इन लाइफ स्टाइल तो आप जो है उस रूटीन को अपनी जिंदगी में अप्लाई करते हैं यू यू फील गुड अबाउट इट बींग एबल टू लिव्दी लाइफ स्टाइल एंड इट्स टू बी पार्ट ऑफ योर लाइफ ये छह महीने में मैं ऐसा हो जाऊँ की कि, कि मुझे इस पोस्टर जैसा बना दीजिए फना hmm. हा, हा, फना फना यू नो अ लॉट ऑफ पीपल डोंट रियलाइज कि दैट अमाउंट ऑफ बॉडी फैट लूज करना इट्स बेसिकली ऑन अ वेरी टेम्पर बेसिस यू कॉन्ट है ट्वेंटी फोर सेवन और अगर आप उसको अक्वायर करने की कोशिश करते हो देन यूर बी ऑन अ वेरी यू नो ऑन अ वेरी वीक स्टेट यू नीड टू बी एबल टू हैव अ सर्टन अमाउंट ऑफ बॉडी फैट एट द सेम टाइम यू नीड टू बी एबल टू हैव अ बॉडी वेट जिसमें आप अच्छे तरीके से अपने लाइफ स्टाइल कर सकते हो hmm. तो आपका ऑब्जेक्टिव का क्लियर होना बहुत जरूरी है अगर ऑब्जेक्टिव क्लियर नहीं होगा आप बोलेंगे इट्स मोर अबाउट हाउ माई यू नो अपियरेंसिस इन फ्रंट ऑफ पीपल आप कभी वो अक्वायर नहीं कर पाओगे तो ये ऑब्जेक्टिव क्लियर होना बहुत जरूरी है दिमाग में आई नो फॉर है मेरा थोड़ा लाइफ स्टाइल आउट हुआ है बिकॉज सर्टन इंजरीज बिकॉज आई बिन सिंस स्कूल इंटू जिमनास्टिक्स अब बिन इंटू स्क्वाश अब बिन इंटू एथलेटिक्स वॉलीबॉल तो Because आपकी एकदम लाइफ स्टाइल चेंजेस क्यों आता है बिकॉज आपकी ईथिंग हैबिट्स बहुत बदलती हैं और hmm. आपने जो है अपने आप को एक्टिव रखना छोड़ देते हैं एंड आई थिंक ईटिंग हैबिट इज़ समि नीड टू बजे लोगों में ना यह भी कॉन्सेप्ट या ट्रेंड नहीं है कि दे डोंट वॉन्ट टू स्पेंड मनी ऑन देअिकल एक्सरसाइज मतलब अगर जिम की एट थाउजेंड या फाइव सिक्स थाउजेंड फीस है दे आर नॉट विलिंग टू डू इट शायद वो खाना चाहिए आठ हज़ार खा लेंगे लेकिन वो मंथली फीस नहीं देंगे ये एक ट्रेंड नहीं है तो आई थिंक अगर इफ यू नॉट स्पेंडिंग मनी ऑन योर हेल्थ राइट नाउ यू हैव टू स्पेंड मनी ऑन डॉक्टर्स लेटर ऑन तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है और शुरू शुरू में बात यह है कि इट्स वेरी टफ टू स्टार्ट एंड टू बी कंसिस्टेंट आई थिंक दैट चेंज का जो प्रोसेस है ना इट्स वेरी हार्ड इन द बिगिनिंग इट्स मेसी इन द मिडल

तो आई थिंक पीपल नीड टू रियलाइज़ कि अगर वो आज अपनी फ़िजिकल हेल्थ पे इन्वेस्ट नहीं करेंगे तो वो कल को शायद उनको हॉस्पिटल्स जगह लगाने पड़ेंगे विच इज़ वेरी क्योंकि बैक इन द डेज़ सहाबाकर जो थे वो सब उन लोगों का लाइफ स्टाइल बहुत ज़्यादा uh, सख्त था सो मच सो कि वो लोग अपनी ज़िंदगी में चर्बी खाया करते थे यू you नो know. फैट भी खाते होते थे हम तो आजकल फैट मतलब आपको छोड़ के लेकिन नॉर्मली <laughs> आज से खाते हैं फैट फैट्स लेकिन हम थोड़ी क्वांटिटी में खाते हैं ना जे, जे। उनके लिए प्रॉपर डिश भी हुआ करती थी फैट जो है लेकिन बात ये कि वो लोग मोटे उस तरह से क्यों नहीं थे उनका लाइफ कैसा अली बिकॉज ये रिसर्च ने प्रूव किया है दैट फैट does not have a direct relation with uh, your body fat weight your body fat or weight gain jo basically sugar intake ki wajah se hai fat hmm. good amount of fat is basically good for you your energy aapki lifestyle hogi aap agar basically number of calories agar aap basically burn kar rahe hain you automatically uh, lose weight Balance वो होगा अब आप जो गुड अमाउंट ऑफ फैट ले रहे हो hmm, आप उससे ऑटोमेटिकली आपकी बॉडी हेल्दी रहती है hmm. जैसे अभी सहा uh, ने बात की तो एक फिलोसोफर uh, uh, का बहुत अच्छी स्टेटमेंट थी उसमें लाइक इंसान सारी जिंदगी लगाता है माल कमाने के लिए सेहत को कॉम्प्रोमाइज करके तो उसी माल को खर्च करता है, है सेहत को हासिल करने के लिए तो एक और रिसर्च भी थी कि आप अगर एक शॉर्ट टर्म ऑब्जेक्टिव <coughs> रखते हो कि छः महीने या एक साल में मुझे इतना वेट लूज करना है लेकिन अपनी लाइफस्टाइल में चेंज नहीं लेके आते तो आप लेटेस्ट स्टेज में ज्यादा वेट गेन करते हो बिकॉज एज सुन एज यू

अब चलो पार्टी, पार्टी खाना पार्टी है।, है अब खाते हैं अब उनका वेट ज्यादा गेन हो जाता है बिकॉज दे नॉट एबल टू चेंज देर हैबिट्स तो अपनी हैबिट और लाइफ चेंज करना बहुत जरूरी है अच्छा।